अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अब ये नंदिनी कहाँ रह गई? हम जाने तो सही कि बात क्या है। रुको सुमन, सुमन तुम ठीक हो? हाँ हम ठीक हैं, थैंक यू। हाँ बड़ी माँ, आरती को देने के लिए 9 लखा हार बनवाया है, संभाल के रखो इसे। ठीक है। आइए आइए, पधारिए समधी जी, पधारिए। बहुत बहुत बधाई आपको। पंडित धीरे धीरे हो, पंडित धीरे धीरे हो, पंडित धीरे धीरे लगन कराओ, हमारी बनो नाजुक है। पंडित धीरे धीरे लगन कराओ, हमारी है। नंदिनी, सुमन, सौरभ बापू को अपने साथ अंदर ले जाओ। सुमन, तुम्हारे कारण आज ये दिन आया है, तो तुम्हारी खुशियां दुगनी हो जाए, इसलिए देखो हम अपने साथ किन्हें लेकर आए हैं। आइए ना उपाध्याय जी। मामी, आप लोग यहाँ आने वाले हो और हमें बताया भी नहीं। अरे इन लोगों ने बताने से मना किया था और बहुत जिद भी की, तो आना ही पड़ा। थैंक यू। भाई साहब, ये तो बहुत अच्छा किया आपने, अब हम सब तो एक ही परिवार हो गए हैं। आइए आओ बेटा। हवेली 10-15 करोड़ की तो होगी ना? बाप रे, राजवाड़ा जैसा लगता है। एक हमारा झोपड़ा है, ये देखने के बाद ना वापस वहां जाने का मन भी नहीं करेगा। भगवान पता नहीं काहे हमारे भाग के साथ ही खिलवाड़ किए हैं। मामी प्लीज धीरे बोलिए ना, कोई सुन लेगा तो क्या कहेगा? कहने दो जो कहना है, तू बस अपने सारे रिश्ते जकड़ के यही जमी रहना, भाग खुल जाएंगे। मामी ये आप क्या कह रही हैं? राम 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 राम, ये कहाँ बोल दिए हम? बस मुंह से निकल गया बेटा, पता नहीं हवेली देखकर कहा सोच लिए। तू एक काम कर, हमको ना ये पूरा हवेली दिखा दे, देखकर आंख मन भरेगा ना तो चैन आएगा। मामी पहले शादी देख लीजिए, फिर हम पूरी हवेली दिखाएंगे आपको। चलिए ना। अरे चलिए ना मामी। अरे रुकना, लगता है हवेली में साजिश रची जा रही है, जासूसी करनी होगी केतारी। जैसे कुएं में हो काई, जैसे कुएं में हो काई।
चली गई, वो भी जयमाला के समय। जयमाला का समय हो गया। बधाई आपको, बहुत बहुत। आपको भी बधाई। इतने इंपॉर्टेंट मोमेंट में आकर नंदिनी है कहाँ? नहीं ऐसा मत करो प्लीज, यहाँ घर में दीदी की शादी चल रही है और मैं तुमसे मिलने आऊँ, ये कैसे पॉसिबल है? क्या तुम घर के बाहर आ गए? सुमन छोड़, सुमन छोड़, जरूरी है कुछ। वही पूछने के लिए तो तुम्हें रोका है हमने नंदिनी, ऐसी भी क्या जरूरी बात है कि तुम जयमाला के समय भी नहीं थी? क्या हो गया है तुम्हें नंदिनी, हमें कुछ बताओ कि सुमन हर बात तुमसे शेयर करूँ, ये जरूरी तो नहीं है ना? नंदिनी कुछ तो बड़ी बात है, लेकिन क्या? यहाँ है क्यों आए? तुमसे मिलने आए, तुमको क्या लगता है मोबाइल से सिम निकाल देने के बाद हम तुमको भूल जाएं? हमसे पीछा छुड़ा लो। हम चुंबक हैं, एक बार चिपक गए तो फिर चिपके ही रहेंगे। आखिर चाहते क्या हो? तुमको चाहते हैं। आ जाओ बैठ जाओ मेरी गाड़ी में, थोड़ा सैर सपाटा करके आएंगे। वो सौरभ जी के पिताजी कह रहे हैं कि विदाई सुबह 4 बजे से पहले करनी है। जी बताया हमें समधन जी ने, देखिए ना कितना कम समय बचा है और अभी इतनी सारी तैयारियां करनी बाकी है। ये नंदिनी और सुमन भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। अच्छा होंगे यहीं कहीं, मैं तब तक विदाई की तैयारियां करवाता हूँ। जी देखो हमको मजबूर मत करो, वरना यहाँ से सीधे हम राय बहादुर साहब के पास जाएंगे और उसके बाद जो तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ेंगी। नहीं 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 प्लीज 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 किसी से कुछ मत कहना, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। चलो मान लिया तुम्हारी बात। रेखा बेटा तुम्हें पता है नंदिनी कहाँ है?
नंदनी तो बाहर की तरफ गई थी और उसके पीछे पीछे सुमन को भी जाते देखा था। ठीक, शादी छोड़ के दोनों बाहर क्या करने चले गए? सुमन, ये तूने क्या किया? अंशुमान। जी दादाजी। बेटा कहाँ जा रहे हो? जाओ। हम तो वनीला के चक्कर में थे, साथ में चॉकलेट भी मिल जाएगी। हमने तो सोचा ही नहीं, एक पर एक फ्री। ओला फंगी, हम भी ना भोलेनाथ जी की नगरी से, अगर हमारा दिमाग घूम गया ना तो धतूरे का स्वाद चखाना भी जानते हैं। अगर जीना चाहते हो ना तो भाग जाओ यहाँ से। जीना नहीं, हम तो मरना चाहते हैं। नंदिनी, सुमन, माँ घबराओ नहीं, अभी सासू माँ को इन सब में शामिल करने का वक्त नहीं आया, लेकिन हमारी नजर तुम दोनों पे टिकी रहेगी, एक पर एक फ्री। क्या करिए तुम दोनों, अंदर फेरे शुरू हो चुके हैं और विदाई भी 4 बजे से पहले ही होनी है। हाँ, वो अंदर ना हमें बहुत गर्मी लग रही थी, और एक तो आपने कितना भारी लहंगा पहना दिया हमें, हमें इन सब की आदत थोड़ी ना है, इसलिए हम नंदनी के साथ थोड़ी हवा खाने बाहर आ गए। अच्छा चलो भी अंदर चलो, बहुत काम बाकी है। सुमन, एक बार आरती दीदी की विदाई हो जाए फिर हम तुमसे बात करते हैं। अरे दादा, इतना बड़ा घर, बहुत बड़ी दुष्ट है ये सुमन। हम बोले तनी हवेली घुमा दो तो बहाना बहाना के पता नहीं कहाँ गुम हो गई। बाप रे, गजब गजब चीज है घर में। ठीक है, वो क्या है ना, थोड़ी देर में आरती दीदी की विदाई हो जाएगी तो नंदनी बस थोड़ी उदास है और हम भी। अंशुमन। जी माँ। बेटा, आरती और सौरभ पापा को कुर्सी पे बिठा दो। जी। विदाई होने से पहले बड़ों का आशीर्वाद मिलना भी जरूरी है। जी।
नंदिनी, नंदिनी। जी सुरभि माँ। बेटा, अब जल्दी ही वर और वधु को आशीर्वाद देने की विधि शुरू होगी। तुम वो उपहार ले आओ जो हमने आरती के लिए खरीदा था। जी सुरभि माँ। दीदी, आप सामने आके आशीर्वाद तो देंगी नहीं, कम से कम आरती को उपहार तो दे सकती हैं। हमने आपकी तरफ से उपहार लाके रखा है आरती के लिए, आपने देखा या नहीं? आरती की किसी भी शुभ चीज पर हमारी नजर ना पड़े, इसलिए हमने वो उपहार नंदन को दे दिया है संभाल के रखने के लिए। ले लेना। नंदन जी माँ। दादाजी मैं भी। हाँ हाँ माँ। बेटा, बड़ी माँ ने जो उपहार दिया था आरती के लिए तुम्हें रखने के, हाँ वो ले आओ। अभी लाए। दीदी, हम बाहर का काम देख लें। ये सब सिर्फ एक मजाक था सुमन, वो रिचा है ना, उसने फन के चक्कर में मेरा नंबर सोशल मीडिया पर डाला और फिर उस लड़के ने उसने मेरी फोटोग्राफ्स को फोटोशॉप करके अश्लील बना दिया और तब से मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। नंदिनी, नंदिनी तुम प्लीज रोना बंद करो, हम सब समझ रहे हैं। लेकिन मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुमन, तुम्हें पता है मैंने कई बार अपने मोबाइल के सिम बदले, अपने सोशल मीडिया के कई अकाउंट्स बंद किए, लेकिन वो इतना शाती रहना कि कहीं ना कहीं से मुझे खोज निकालता है। नंदिनी, हम उस शातिर को भी सबक सिखाने का उपाय जरूर निकालेंगे, तुम बस रोना बंद करो प्लीज। देखो, रो रो के सारा मेकअप खराब कर लिया ना, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ और नीचे हॉल में आ जाओ। हम ये बॉक्स लेकर नीचे जाते हैं, ठीक है? सुमन, सब ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि क्योंकि अगर ये बात घर वालों के सामने आई ना, तो फिर अपनी जान देने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। नंदिनी, चुप करो, पागल हो गई हो क्या? देखो, हम अभी अपने भाई से बात करते हैं, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, जरूर कोई उपाय निकाल लेगा, किस दिन काम आएगा वो। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, हम पे विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। अरे जितना बोला है उतना करना है यार, विदाई के बाद मिलते हैं, पार्टी करेंगे, एंजॉय करेंगे, तू टेंशन मत ले। चल भाई, नंदिनी की इज्जत का सवाल है, हमें कोई ना कोई हैकर ढूंढना ही होगा जो उसका मोबाइल और उसका अकाउंट हर हाल में हैक कर ले। भाई प्लीज इसे सीरियसली देखो, अब कोई हैकर ही ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तू टेंशन मत। देख कर नहीं चल सकते, कहाँ खोए रहते हो, दिखाई भी नहीं देता। माल करते हो यार तुम। हाँ चलो, मुझे नहीं दिखाई दिया, लेकिन तुम्हारी आंखों का तो पावर है ऑन था ना, तुम तो देख के चल सकती थी, तो तुम्हें क्यों नहीं दिखाई दिया? तुम अचानक से हमारे सामने आ गए थे, हम नहीं आए। और एक सेकंड, हम ना तुम्हारे जैसे अंधे नहीं है। अंधा, मुझे थोड़ा सा अपने एटीट्यूड को ना कंट्रोल करो। माँ ने थोड़ी सी उंगली क्या पकड़ा दी, तुम तो सीधे गले तक पहुँच गई हो। दूर रहो, वरना हाथों से ना गला भी दबा देंगे। जाने कौन सी दुनिया में जीता है। दुनिया में जीता है मतलब? हटो। ये शायद किसी हैकर की बात कर रही थी, इसे हैकर क्यों चाहिए? अरे खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो। तुम दोनों का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहे, ये दुआ है। और ये रहा हमारा आशीर्वाद। आशीर्वाद लेने में कभी सब कुछ आना नहीं चाहिए, और बुजुर्गों का आशीर्वाद हमेशा शुभ ही होता है। दादा रे दादा, ये घर में तो खजाना भरा पड़ा हुआ है, बात बात में हीरा जवाहरात निकल आता है। अब लड़की की माँ भी तो आनी चाहिए आशीर्वाद देने के लिए। माफ कीजिएगा दीदी, यहाँ नहीं आएंगी, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर आएगा दोनों के लिए। नंदन। हाँ माँ। बेटा, जो उपहार रखा था बड़ी माँ ने, वो ले आओ। हाँ माँ।
लो बेटा, अपनी माँ का आशीर्वाद स्वीकार करो। देखे तो सही, अच्छा है, बहू के गले की शोभा बढ़ाएगा ये हार। चलिए अब हमारी बारी। हाँ जी, लो बेटा। ये भी तो देखें। हाय दादा, ये तो नौला का हार है। वाह, इसे कहते हैं ना माँ का दिया हुआ उपहार। सुरभि जी, सगाई के दिन आपसे बस एक छोटी सी चूक हो गई थी, लेकिन आज आपने सब कुछ सही कर दिया।